जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रि विसर्जन का अब समय है, ऐसे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से आज इस वीडियो में दूंगी किस तरह से आप सभी को विसर्जन करना चाहिए। सबसे पहले आपने बड़े बड़े पट द्वारों में देखा होगा कि कभी भी एकदम से चौकी नहीं उठाई जाती, तीन ताली बजाकर उनको हिलाया जाता है या उठाया जाता है, तब जाके उनका विसर्जन या कोई भी पूजा इत्यादि की जाती है। ऐसे में आप सभी को दशमी के दिन यह कार्य करना है। आप सब छोटा सा ही सही थोड़ा सा भोग लगा लीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद बात कीजिए कि वह हमारे घर आई। सबसे पहले पूजा में जो सुहाग की सामग्री है उसके बारे में बताना चाहूँगी। सुहाग की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि पूजा में। इसका क्या करना है, इसका सबसे पहले आप सभी को इसमें से सबसे पहले माता रानी के आशीर्वाद के लिए अपने पास रखना है। इस बात को ध्यान में दीजिए, इस सामग्री को अपने पास जितना संभव हो पांच चीज़ें खुद के पास रख लीजिए। अगर 16 श्रृंगार की सामग्री आपने चढ़ा रखी है, इसके बाद जो अन्य सामग्री है उसमें से अपने रक्त संबंधियों को, जो आपके परिवार के कुटुंब के ही हों, उन्हें माता रानी का यह प्रसाद बाँट दीजिए। इससे अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है, यह बात सबसे पहले आती है। उसके बाद आपने चावल जो इस्तेमाल कर रखे हैं वह कबूतरों को या पंडित जी या पुजारी को उनको दे सकते हैं। ज्वारे जो बो रखे हैं वह पहले माता रानी को समर्पित करके घर के प्रत्येक सदस्य को के सर पर रखते हुए प्रसाद के स्वरूप में जहां अपने आस पड़ोस में बांटते हैं इसे बांटिएगा। इसके बाद इसे बहते हुए जल में या एक ऐसी जगह जहां पर पैर न पड़ता हो, भू विसर्जन जिसे कहा जाता है, वहां पर गड्ढा खोदकर इसे और समस्त पत्तियां और फूल इकट्ठा करके उस जगह पर रख लीजिए। ध्यान रखिए कोई भी वस्तु हो पैर में ना आने पाए, यहीं पर पूजा का फल कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। इसके साथ ही जो भी वस्तु जैसे आम के पल्लव हैं उसे आप चाहें तो, इससे पहले मैंने कलश का विसर्जन का पूरा वीडियो आप सभी को दिया ही है। इसके बाद सवाल आता है मूर्ति का। मूर्ति को अगर आपने मिट्टी की, तो खैर माता रानी की बनती नहीं है, परंतु मूर्ति है तो उसे अपने मंदिर में ही स्थापित करना होगा। गणेश जी महाराज के लिए आपने पूजन कर रखा है तो उस पर आपने जो जनेऊ अर्पित कर रखा है वो आपके घर पर पंडित पहनने वाले हों या पंडित जी को आप भी दे सकते हैं। सुपारी इत्यादि है वह पूजा के काम में अब ली जा चुकी है, उसे आप मंदिर में पूजा करने वाले या अपने पुरोहित को दान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कपड़ा इत्यादि या चूनड इत्यादि, आप माता रानी को ही चूनड या वस्त्र पहना सकते हैं। दोबारा से इन्हें विसर्जित नहीं किया जा सकता, नहीं दान दिया जा सकता। बिछाया हुआ कपड़ा है या गणेश जी महाराज को आपने कपड़ा पहनाया है तो उसे पंडित जी को दे सकते हैं। इसके साथ ही फल है जो प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, चावल कबूतरों को या पंडित जी को दिया जा सकता है। कलश का मैंने पहले ही वीडियो आप सभी को दे दिया है। इसके साथ ही इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए कि जिस स्थान पर आप सभी ने माता की चौकी बना रखी है उस स्थान को खाली मत छोड़िए। माता रानी के कुछ ना कुछ अंश वहाँ पर होते हैं, जब आप चौकी उठा लेंगे उस जगह पर जिसे चौक पूर्णा कहते हैं, प्राचीन समय में आपने दादी नानी को देखा होगा, उस जगह पर आटे का छोटा सा स्वास्तिक या रंगोली सी बनाती थी और उसकी जगह पर दीपक लगा देती थी, तब यह विसर्जन पूर्ण माना जाता है। देखिए छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं पूजा विसर्जन और विधियों में। इसके बाद समस्त सामग्री का विसर्जन हो गया। बस सबसे यही रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप विसर्जित करने जा रहे हो पैरों में ना आए, इस बात का ध्यान रखिए। आपने देखा होगा कई लोग माता रानी की खंडित मूर्तियां या जो सामग्री होती है ऐसे ही उन्हें छोड़ देते हैं किसी पेड़ वेड़ के नीचे, जिससे कि वह पूर्ण रूप से यहाँ वहाँ बिखरते रहती है, उन पर पैर आ जाता है। अब इसका प्रतिफल हम सभी को मिलना है। ऐसे में आपके घर पर छोटी सी ही जगह हो या गमला ही हो, उस पर खोद कर इन समस्त जो ऐसी वस्तुएं हैं जो भू विसर्जित अर्थात सड़के या गल के जो है खाद का रूप ले सकती है, मिट्टी में मिल सकती है, उन्हें घर के गमले में ही या अपने घर में छोटी सी ही जगह हो मिट्टी इत्यादि की, खोद कर वहीं पर दबा दीजिए। इन्हें धरती खुद समाहित कर लेगी अपने में। प्रदूषण करने से या इस तरह से कार्य करने से इसका प्रतिफल हमें ही मिलना है। कोई मन में सवाल हो जरूर पूछेगा, इससे पहले मैंने दो वीडियो आप सभी को दिए हैं, उनसे आपका समाधान हो जाएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।